तो चलिए आज इस ब्लॉग में जो है हम एक ऐसे जंगल को दिखाएंगे, हालांकि जंगल नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक बंदे के लाइफ में आता है ऐसा इवेंट जहाँ जब भी आपका मान लीजिए कि 12th पास कर रहे हो, कहीं भी पास कर रहे हो, तो उसके बाद आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा भी एक हॉस्टल है जिसमें हम अभी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस हॉस्टल का व्यू हम दिखाएंगे। काफ़ी आतंकवादियों की जगह, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पर भी आतंकवादी नहीं मिलेंगे, वैसे आतंकवादी हमारे हॉस्टल में रहते हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स भी आपको दिखाएंगे जहाँ आतंकवादी वो अपने आप को साबित कर देंगे। अभी हम बैठे हैं अपने हॉस्टल के बाहर और शाम हो चुका है और अभी एग्ज़ाम देके आए हैं और कल भी एग्ज़ाम देना है, लेकिन ब्लॉग में आपको दिखाएंगे अपना हॉस्टल, हॉस्टल का व्यू कैसा होता है, अंदर से हमारा हॉस्टल कैसा है। मुझे नहीं पता आप लोगों का कभी हॉस्टल में रहोगे तो इससे अच्छा भी होगा इससे बुरा भी होगा, लेकिन हमारा हॉस्टल कैसा है वो इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरे ब्लॉग में इन्जॉय कीजिए और देखिए कि हॉस्टल का व्यू कैसा होता है। तो चलिए अब हम घुस चुके हैं अपने इस महान हॉस्टल में। पहला एंट्री गेट यहीं से होता है और अब हम यहाँ से चलेंगे और चलते जाएंगे, यहाँ से हम आगे जाएंगे। कहते हैं कि हॉस्टल में घुसने के बाद कुछ आतंकवादी हरकतें हमारी एक्टिवेट हो जाती है, हालांकि वो सबकी होती है। तो चलिए आज हम अपने जा रहे हैं हॉस्टल में और काफ़ी अच्छा व्यू, ये है हमारे हॉस्टल का व्यू। सबसे पहले गेट होता है, कुछ ब्लॉक्स होते हैं और पूरा व्यू आप देख सकते हैं हॉस्टल कैसे होता है। फर्स्ट फ्लोर पे हम जाएंगे और यहाँ पे है फर्स्ट फोर्थ फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, जिसे आप यहाँ ब्लॉक में देख सकते हो। अब हम आपको रूम दिखाने वाले हैं जिसमें रूम की एक्टिविटीज़ कैसी होती है कैसे नहीं होती है, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर हम दिखेंगे। और देखिए होता क्या है कि जैसे ये रूम खोला, इस रूम में क्या है देखो, काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया जाता है डाइनिंग हॉल। इस रूम में जैसे इससे एक्टिविटी होती है पूरा रूम आपको दिखाएंगे, हालांकि पढ़ने का मैप जरूर दिया है लेकिन पढ़ते कितने हैं देख सकते हो। तो ऐसे रूम मिलते हैं, आईसीआर का होटल है, आपको तीन इस तरह से वो मिलेंगे और मतलब सबका अलग अलग अलमारी होता है, इस तरह से आपको दिखेगा। और यहाँ पे सबको टेबल वगैरह दी जाती है पढ़ने के लिए और सबका बेड वगैरह दिया जाता है, टेबल वगैरह। तो काफ़ी अच्छा व्यू, काफ़ी अच्छा रूम्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और ऐसे ही हॉस्टल में हमें अवेलेबल हुए हैं। और ये सब देखने के बाद चलते हैं, हम मिलते हैं आपको, दिखाएंगे हमारे खाना कहाँ, हम जो यहाँ पे हॉस्टल में सबके पास आपको पता होगा कि खाने के लिए आपको मैस दी जाती है, तो मैस कैसा है हमारे ICR का जो ICR का जो हॉस्टल होते हैं। हालाँकि हॉस्टल फ्री मिलते हैं और बकचोदियाँ काफ़ी चलती रहती हैं। तो चलिए अब हम जो है आपको दिखाएंगे हमारा मैस, जहाँ पे हम खाना बैठ के खाते हैं सारे दोस्त, और काफ़ी वहीं हमारी गुपचुप होती है क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो काफ़ी अच्छा व्यू हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमको खेलने के लिए मिलते हैं अभी लोग हैं और बैडमिंटन यहाँ से हम खेल सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, देखो बैडमिंटन यहाँ पे खेलते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम चल चुके हैं अभी फर्स्ट ब्लॉक में, सबका ब्लॉक रूम लेकर गए, अभी हम ले जाएंगे आपको मैस में जहाँ उनको खाना मिलता है। काफ़ी बड़ा हॉस्टल है हमारा और सब में इन्वेटर वगैरह लगता है। और ये है हमारा स्टूडेंट मैस जिसे आप खाना यहाँ पर मिलता है। और चलिए अब मिलाते हैं आगे, और इस तरह से यहाँ पर टेबल अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी शाम के टाइम में अभी कोई नहीं है तो काफ़ी यहाँ पर टेबल खाना खाते हैं हम लोग, और काफ़ी बड़ा मैस है हम लोगों का। और यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे बैठ के स्टूडेंट्स हैं वो खाना खा सकते हैं मैस। यहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों मिलता है, तो नॉन वेज अलग टेबल्स होती हैं और वेज की अलग टेबल्स होती हैं। तो काफ़ी इस ब्लॉग में आगे भी देखते रहिए, हम देख सकते हो पूरा लाइट अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से साफ़ सुथरा है। देखिए पूरा टेबल यहाँ पर साफ़ सुथरा है और यहाँ पर ये मच्छर मारने वाली मशीन है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई है। तो इस कोने कोने का देखिए, चलिए अब मैं इस वर्कर से मिलाते हैं आप लोगों को, मिलिए इस आदमी से गौर करके, ये सबको खाना देते हैं। बोलिए भाई कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। ये है बिहार से और ये मैस वर्कर और यहीं पे हम काम करते हैं। कितना भाई पेमेंट मिलता है? पेमेंट मिलता है सर 8000। 8000 इनको पेमेंट मिलता है, काफ़ी अच्छे वर्कर हैं यहाँ पे। और प्लेटें लग चुकी है लेकिन खाना अभी नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा 8 बजे को। अब सब ये है एग्जाम के बाद कैसे हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार, शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। अच्छी टेबल चाहिए, ले जा रहे हैं भाई, टेबल ले जा रहे हैं, यहाँ से तो ऊपर ना जा रहे हो।
रूम खाली। चलिए अच्छे से दोस्त है, यहाँ पे अभी भी दिवाली जश्न बन रहा है और कुछ रूम में और मिलते हैं। ये है मोहित, मोहित जश्न के साथ टेबल सेट हो रही है। कैसे निकाला जा रहा है आई सी आर के विद्यार्थी को निकाला गया, इस आदमी से मिलिए। क्या कर रहा है भाई ये? अरे रूम शिफ्ट कर लेते हैं। ये रूम से निकाल दिया गया। नए बच्चों के लिए रूम खाली कर रहे हो? ओ भाई क्या कर रहे हैं? भाई 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 बढ़िया। क्या होली दिवाली मना रहे हैं? अभी अभी दिवाली तुम्हारी खत्म नहीं हुई? अभी तो खत्म नहीं हुई, छठ तक चलेगा।